टॉप 3 बेस्ट 64 मेगापिक्सल कैमरा फोन अंडर 12,000 रुपीज। दोस्तों, हर किसी को ना तो केवल अच्छे गेमिंग फोन पसंद आते हैं और ना ही उन्हें कंटेंट वॉच करने के लिए कोई अच्छा फोन चाहिए होता है, बल्कि उन्हें तो एक अच्छा सा कैमरा सेंट्रिक फोन लेना होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आ चुका हूँ ऐसे 3 फोन जहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। अब तो शुरू करते हैं इस लिस्ट को और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रियलमी की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च रियलमी नार्जो N55 की। जी हाँ दोस्तों, ना बात करें इस फोन की तो ये फोन पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, पर बैक साइड से दोस्तों ये फोन काफी ग्लॉसी है और लुक भी फोन के बहुत ही जबरदस्त है। साथ ही साथ ये फोन 7.8 mm की थिकनेस और 189 ग्राम की वेट के साथ में आता है। सो देखा जाए तो लाइट वेट और स्लिम फोन है। सो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी फोन के जबरदस्त है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 6.72 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल दी गई है। अच्छी बात है, डॉट नॉच के साथ में आता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, 680 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिलती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि हर एंगल से आपको यहाँ पर कलर्स वगैरह में कोई इशू देखने को नहीं मिलते, तो व्यूइंग एंगल्स फोन के यहाँ पर अच्छे हैं। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का जो कि 1.79 अपर्चर के साथ में आता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। नाइट मोड दिया गया है, फ्लेयर मोड वगैरह दिए गए हैं और तो और डे लाइट में जो यहाँ पर आउटपुट निकल कर आते हैं वो भी कमाल के हैं। और अगर हम बजट के हिसाब से देखेंगे तो नाइट मोड भी यहाँ पर काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है। तो ओवरऑल इमेज आउटपुट में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको मिलता है 12 NM बेस MediaTek Helio G88 का चिपसेट। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो चिपसेट है ये काफ़ी स्टेबल है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है। और साथ ही साथ स्मार्टफोन के औद्योगिक स्कोर की बात करें तो ये फोन लगभग 2.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, तो आपको यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। आप यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। LPDDR4X रैम और AMMC 5.1 का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर दिया गया है। सो ओवरऑल बजट के अंदर परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं देता। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है और 33 W चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप्स वाली पोर्ट भी आपको दी गई है, ये अच्छी बात है। वैसे कुछ एडवांस फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे ये स्मार्टफोन फुली चार्ज होता है ऑटोमेटिकली यहाँ पर चार्जिंग स्टॉप हो जाती है, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की गाइस। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन और ये फोन आता है एंड्रॉइड 13 पर, तो ये भी अच्छी बात है। हालांकि अभी भी कुछ यहाँ पर फालतू की नोटिफिकेशन और ऐप्स वगैरह मिलती है, लेकिन आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। सो गाइस, अगर आप यहाँ पर रियलमी की तरफ से कोई नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे थे तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, सो दोस्तों 4 और 64 के लिए इस समय आपको देने होंगे 10,999 रुपए। वैसे आप तरफ और अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ है यहाँ पर रियलमी की तरफ से रियलमी का C55। ये है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन प्लास्टिक बिल्ड के साथ आपको काफ़ी अच्छा लुक देता है। बात करें डिस्प्ले की तो 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल के साथ में आता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिलती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का मिलता है सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है। डे लाइट वगैरह में दोस्तों यहाँ पर फोटोज़ काफ़ी कमाल की निकल कर आती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो आउटपुट की तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। वैसे बैक कैमरा से आपको 60 FPS तक का सपोर्ट भी दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पर दोस्तों परफॉर्मेंस की बात कर लें तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Helio G88 का चिपसेट। हालांकि 12 nm फैब्रिकेशन पर आता है, लेकिन आपको यहाँ पर लगभग 2,11,000 के आसपास का स्कोर निकाल कर देता है। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर बजट के हिसाब से अच्छी मिल जाती है, तो आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और EMMC 5.1 का स्टोरेज दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 33 W चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी दी गई है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन के कुछ अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन और ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है।
और अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे लगभग 11,000 रुपए, वहीं पर स्मार्टफोन के 6 और 64 के लिए आपको देने होंगे 12,000 रुपए। तो Realme की तरफ से 11,000 रुपए की प्राइस पर देखेंगे तो काफी अच्छा पैकेज है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ, और अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ यहाँ पर पोको की तरफ से आने वाला पोको का M4 Pro 4G। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफी अच्छा है और काफी यूनिक डिजाइन के साथ में आता है। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED वाली पैनल मिलेगी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन लगा हुआ है। 1000 नीट्स की हायर ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी फोन की बहुत अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरा मिलेंगे। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, हालांकि आपको यहाँ पर ओमनीविजन का सेंसर दिया गया है, बट इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। डे लाइट में फोटोज में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे आपको यहाँ पर फीचर्स वगैरह भी काफी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Helio G96 चिपसेट, और दोस्तों ये चिपसेट भी 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर ही बना हुआ है और लगभग आपको यहाँ पर G95 जैसी परफॉर्मेंस देता है। तो डेली टास्क के साथ साथ आप यहाँ पर बहुत अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। पावर हाउस की बात करें, बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 33W की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है, सो देखा जाए तो बैटरी मॉड्यूल भी फोन का बहुत अच्छा है। वैसे इस फोन के अंदर भी आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन, और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन आपको यहाँ पर MIUI 13 मिलता है, सो देखा जाए तो ये भी अच्छी बात है। ओवरऑल फोन काफी अच्छा है, ऑलराउंडर है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 6 और 64 के लिए आपको देने होंगे 11,999 रुपए। फाइनली दोस्तों ये थे वो 3 स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं लगभग 11 से 12,000 रुपए के अंदर, और सभी के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का एक अच्छा खासा कैमरा मिलता है, जहां पर आपको डे लाइट के साथ साथ लो लाइट में भी इस बजट के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। वैसे आपको काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। सभी के बेस्ट बाय लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।